साल हो गया, एक साल हो गया चलाना इन्हें, ठीक है। तो काफ़ी वारी गेड़े मारे आ, पहले उन्होंने क्या लाइसेंस नहीं लगना, ठीक है। फिर अं लाइसेंस वो बोलने लग पे, फिर अं लाइसेंस बनवाने लग पे, दो तीन महीने लाइसेंस में लग गए। फिर अं जो इतने आने कल आ जाओ, परसों आ जाओ, कल आ जाओ परसों, बस यही होंगे। अभी 12 बजे आए हैं भाई, अभी 12 बजे आए हैं, 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बस यही। कह रहे हैं कि आप जेडे आ अंदर मुलाजम आए थे साढ़े, आप उन्होंने चलान भुगत रहे, बल्कि वो फाइलों लै रहे हैं, जेडे फाइलों तुम लै रहे हो, जेडे ये चलान भुगत रहे तुम पहला फड़काए थे, 9 सवेरे 8 बजे तो ड्यूटी स्टार्ट होंगी है, 8 बजे तो लैके 2 बजे तक कि करते हैं, सवेर तो लैके शाम 2 बजे तक, हूँ 2 बजे तो लैके 4 बजे तक तुम बाहर लिस्ट लाई थी कि चलान भुगतेंगे, ठीक है जी। जबकि 2 बजे तो लैके 4 बजे तक इन्हों आवाजा मार मार थक गए, आप सारे आप बाहर धुप्पे खड़े हैं सवेरे के, भुखे है भयाने सारे खड़े आ, किसी ने पानी नहीं पीता, किसी ने रोटी नहीं खाधी, ठीक है। सारे सवेरे दे दे, किसी घर कोई काम है, किसी घर कोई काम है, कोई दिहाड़ीदार बंदा कोई किदा है, आपे अंदर एसिया थले बह के मौजा लैन दे नज़ारे। असी आए जी इतों फतेहपुर, साढ़ा चलान होया तो मुड़ के अं चलान भुगत्या नहीं, अभी तरीक नहीं हुई जी, मुड़ के अं आ गए इतने बस स्टैंड आए बच्चे छड़न, उन्हें जाना उसे पेपर ही, तो रात कोई 10:30 बजे की गल है, तो कोटली पुल से पुजे तो उन्होंने चलान चट्टी भी दसी, उन्होंने मनी नहीं करके भी, उन्होंने दिखाओ आखते भी वह आर सी दसो, मैं आर सी साढ़ा चलान होता है या साढ़े को चलान चट पे आ वेख लो, आखते यही चलने जो। सत श्री अकाल, मैं रमनदीप सिंह, तुसी देख रहे हो 7C न्यूज़। अजकल जो असी घरों निकलते हैं बाहर तो अपने गड्डिया के कागज़ पूरे होने चाहिए ने, क्योंकि चप्पे चप्पे दे उत्ते पुलिस का पहरा बहुत सख्त हो चुका है, क्योंकि जेकर तुसीं तुहाडे वाहन के कागज़ कट पाए जाते, तुहाडे कोल लाइसेंस नहीं है, हैलमेट लैके नहीं निकलते हो, तो पुलिस के वलों तुहाडा जिहड़ा कि वड्डा चलान भी कटिया जा सकता है। सो उन्हां चलाना तो बाद लोग पहुँचते हैं DTO दफ्तर पठानकोट विखे अपने चलान भुगतन, तो अज इत्थे एक बहुत वड्डा हंगामा होया है, जदों इत्थे चलान भुगतन पहुँचे हुए लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि अधिकारियों के वलों 2 बजे तो बाद तक खिड़की जी है वह नहीं खोली गई, क्योंकि इतने SDM साहब के हुक्म के अनुसार 2 बजे तो 4 बजे तक का समय है चलान भुगतन का, पर 3 बजे तक जी खिड़की है नहीं खोली जाती, बाहर बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, 50 तो वह लोग जो इकट्ठे ने इतने, तो उन्हों का कहना है कि 3 बजे तो वह समा हो चुका है पर खिड़की नहीं खोली गई है, बार बार खिड़की खड़काई भी गई है, दरवाजे खड़काए गए हैं पर अंदरों कुंडी लगा दी गई है, जिस तो बाद रोस के आए हैं, बार बार कहन तो बावजूद भी उन्होंने कोई भी आश्वासन नहीं मिले, ना खिड़की खुली है, हालांकि हुण अधिकारियों के वलों खिड़की खोल दी गई है, अधिकारियों के नाल भी गल की गई तो उन्होंने कहना है कि पुलिस के अधिकारी इतने पहुंचे हुए सन, 250 तो वध जिहड़ा चलान उन्होंने कोल इत्थे मौजूद सीगा, ते उन्हां नूं कागजी कार्रवाई दे विच समां लग गया, जिस कारण वह 3 बजे तो बाद उन्होंने खिड़की खोली है, हालांकि उन्होंने भी कहना है कि जिन्ने भी लोग इतने इकट्ठे ने सारे के चलान जिहड़े भुगते जाएंगे, सारे की कागजी कार्रवाई कंप्लीट होगा, ज अधिकारी अपना काम रूटीन के हिसाब के समय सिर करे। हुण लोगों के वलों होर भी इल्ज़ाम अधिकारियों के उत्ते लगाए गए हैं, उत्थे ही पुलिस प्रशासन के उत्ते भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहना है कि चलान जो उन्होंने होंगे आ चलान होने तो बाद RC इतने आ जाती है DTO दफ्तर, तो फिर उस तो बाद पुलिस के वलों कई लोगों की गल्लां नहीं सुनिया जाती, दोबारा उन्होंने चलान कर दिए जाते हैं, कई लोग अजे भी इतने मौजूद ने जिन्हों के वाहन इंपाउंड कर ले गए हैं, जिस तो बाद वड्डे चलान उन्होंने भुगतने पैणगे, पर सरकार का की लोक मारू नीति है, लोगों भी सुचेत होना पवेगा कि अपने कागजात पूरे बनाउन, हुण देखना यह होगा कि सरकार इसलिए लोगों बारे भी सोचती है, लोग सुचेत होकर अपने कागजात पूरे बनाते हैं। भाजी मेरा नाम अश्विनी कुमार है, तो आप आए हैं पठानकोट चलान भुगतन, जबकि पिछले महीने 25 तरीक का मेरा चलान सीगा, अज 9 तरीक आप चलान भुगतन आए थे, ठीक है। यह सारे तुम देख सकते हो बाहर पिछे सारे देख सकते हो, कोई 8 बजे का सवेरे का आन के लगा चलान भुगतन आया था, ठीक है, कोई सवेरे 8 बजे 9 बजे 10 बजे, एडा कोई वेला तो हैगा ही नहीं है, अंदरों दरवाजे खड़का हड़े उन्होंने बाजा मारती हैं, 2 तो 4 बजे तक इन्हें टाइम लिखता चलान भुगतान का, ठीक है जी। जबकि इन्होंने जबकि एक मिनट जबकि ये कह रहे हैं कि आप जेडे आ अंदर मुलाजम आए थे साढ़े, आप उन्होंने चलान भुगत रहे, बल्कि वो फाइलों लै रहे हैं, जेडे फाइलों तुम लै रहे हो, जेडे ये चलान भुगत रहे तुम पहला फड़काए थे, 9 सवेरे 8 बजे तो ड्यूटी स्टार्ट होंगी है, 8 बजे तो लैके 2 बजे तक कि करते हैं, सवेर तो लैके शाम 2 बजे तक,
हूँ 2 बजे तो लैके 4 बजे तक तुम बाहर लिस्ट लाई दी कि चलान भुगतान गए ठीक है जी। जबकि 2 बजे तो लैके 4 बजे तक इन्होंने आवाजा मार मार थक गए आप बहर धुप्पे खड़े हैं सवेरे के भुखे है भयाने सारे खड़े आ किसी ने पानी नहीं पीता किसी ने रोटी नहीं खाधी ठीक है सारे सवेरे दे किसी को घर कोई काम है किसी को घर कोई काम है कोई दिहाड़ीदार बंदा कोई किदा आ आपे अंदर एसिया थले बह के मौजा लैन डे नज़ारे लैन डे जी। इन्होंने बंदे रखे कमीशन से वो बाहरों चलान फड़ लेंगे चलो जी आ जाओ जी उन्होंने चलान कट के डोली दे के लांबे एडे वेला बंदा तो कोई नहीं है किन्ने बंदे है डोली के बाहर बंदे देख सकते हो तुम सारे देख सकते हो तुम पंजाब साठ बंदा है असं आए जी इतों फतेहपुर साढ़ा चलान होया तो मुड़ के अं चलान भुगत्या नहीं अभी तरीक है नहीं हुई जी मुड़ के अं आ गए इतने बस स्टैंड आए बच्चे छड़न उन्हें जाना ही उसके पेपर ही तो राती कोई 10:30 बजे की गल है तो कोटली पुल से पुजे तो उन्होंने चलान चट भी दसी उन्होंने मनी नहीं करके भी तो उन्होंने की दिखाओ आखते भी आर सी दसो मैं आर सी साढ़ा चलान होया था साढ़े को चलान चट पे आ वेख लो आखते नहीं चलनी चुलनी तुम इदा करते फराड करते किन्ने का चलान भुगते हो ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣ ਭੁਗਤਿਆ 6000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਣ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੰਗਣ ਦੇ 17000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਸ ਆਖਦੇ ਰੁਕ ਜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਭੁਗਤਿਆ ਦੂਜਾ ਆਖਣ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਖਣ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 3:30 ਹੋਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 2 ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰੋਂ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤ ਲਓ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇਗਾ ਦੇਹੀ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਪਰਸੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲ ਇਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਲਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬੱਸਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਹਾੜੀ ਦੋਣੇ ਆ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆਂਦੇ ਐਦਾਂ ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੂਆ ਪਹਿਲੇ ਬੂਆ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਬੂਆ ਖੜਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਬੂਆ ਹੁਣ ਬੂਆ ਖੜਕਾਉਣ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ एक्चुअली अज ना कोई यही 1:30-2 बजे के करीब ना सा ट्रैफिक के चलान आने ही उन्होंने अधिकारी कायदे चलान लैके कोई 2-250 चलान ही वो फिर टैली करके लेना ही बस इस करके थोड़ा जहा टाइम लगे तो ही पब्लिक 4 बजे तो बाद भी खिड़की खोली जाएगी 4 बजे बंद हो जाएगी नहीं नहीं सारे का काम करके भेजा जाए ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੌਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੌਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ